हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जो कि काफ़ी लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। जब भी आप वेट लॉस जर्नी पे हो, आप सब चीज़ें कर रहे हो, टिप टू टो तक आप हर एक एक चीज़ फॉलो कर रहे हो, बट स्टिल यू आर नॉट लूजिंग योर वेट। रीजंस व्हाई हम सब कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलता है इक्वल में, कि आप डबल खाना चालू कर देते हो, जो आपका वेट लॉस हुआ है उससे ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो। फ्रस्ट्रेशन पे आप रीजंस पे नहीं जाते, आप रूट कॉज को नहीं पकड़ते, आप ये देखते हो कि यार मेरा वेइंग स्केल पे वेट नहीं गिर रहा है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं डाइट छोड़ रही हूँ, भाड़ में जाए चीज़ें और मैं खा रही हूँ, इससे अच्छा तो खा लो, क्योंकि वेट लॉस तो हो ही नहीं रहा, मैं अपनी पसंद की सारी चीज़ें खाऊंगी, क्योंकि मेरा 5 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन से वेट नहीं गिर रहा। आप उसके रूट कॉज को पकड़ो, उसके रीजंस को पकड़ो और उस रीजन पे काम करोगे, आपका डेफिनेटली वेट लॉस होगा। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप ऐसे 5 रीजंस की। देखो, बेसिक चीज़ें हर किसी को पता होती है, नींद टाइम पे लेना, नींद 8 घंटे की लेना, मील्स टाइम पे फॉलो करना और पानी अच्छे से पीना, स्ट्रेस ना लेना, ये तो एक जस्ट बेसिक फंडा है जो कि आप सब लोगों को पिछले 5 साल से मैं वीडियोज़ बना रही हूँ और आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, दिमाग में घुस चुकी होगी। बट उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके वेट लॉस को रोकती हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से आपका जो वेट लॉस का जर्नी है वो सेंटर में रुक जाता है, होल्ड हो जाता है। तो उन रीजंस के बारे में आज हम बात करेंगे। सो फर्स्ट रीज़न पे हम बात करते हैं, जो भी ड्रिंक्स आप ले रहे हो उसको मौसम के मुताबिक आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा धूप थी, आप अपने मॉर्निंग जूस कंटिन्यू करो। बट अगर एकदम से बारिश हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मौसम एकदम से ठंडा है, तेज़ हवाएं चल रही है, रात को एसी में सोए हो, गला ख़राब हो रहा है, नेक्स्ट मॉर्निंग भी अगर आप अपना जूस ही कंटिन्यू करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। माइंड भी ऐसा हो सकता है कि उन सारी चीज़ों को लेने की वजह से, ठंडी चीज़ें लेने की वजह से आपका गला ख़राब हो जाए, टॉन्सिल्स हो जाए, फीवर हो जाए, ज़ुकाम हो जाए, बट स्टिल आप उस चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हो तो वो आपका वेट लॉस नहीं होने देगा, रोकेगा, एंटीबायोटिक चलेगी। सो हमें इतना लंबा चीज़ नहीं पकड़ना। अगर आपके वहाँ पे जिस जो भी मौसम है उस मौसम के मुताबिक अगर आप ड्रिंक्स अपनी डाइट में ऐड करते हैं, अपनी ड्रिंक्स को चेंज करते रहते हैं, उस वजह से आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो चलेगा। अगर आप एक ही ड्रिंक पकड़ के बैठे हो और मौसम का फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा लूएँ चल रही हैं, कभी आपको हीट स्ट्रोक आया हुआ है, या फिर आपको सर्दी हुई पड़ी है, या फिर बारिशें हैं, बारिशों इन सब मौसम के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से आपके ड्रिंक्स जो है वो बार बार बदलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पीरियड्स आने वाले हैं और फिर भी आप जूसेस कंटिन्यू कर रहे हो, जैसे पीरियड्स के 1 दिन पहले 2 दिन पहले, मेक श्योर आप 1 या 2 दिन पहले ही अजवाइन वाला पानी या फिर तेज पत्ते वाला पानी या फिर कोई गर्म तासीर की चीज़ अपनी डाइट में लेना स्टार्ट कीजिए। सेकेंड पॉइंट इज, मान लीजिए कि आप गोंद का पानी ले रहे हो और बहुत ज़्यादा गर्मी है, लूएं चल रही हैं, अचानक से मौसम ख़राब हुआ, बारिश हो गई, सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम गोंद का पानी नहीं लेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग हम या तो जिंजर का पानी लेंगे या हल्दी वाला पानी लेंगे, या फिर आपका ड्रिंक्स जो होगा वो ब्लैक मोटी इलायची का पानी होगा। डिपेंड करता है कि वहाँ पर सीज़न टू सीज़न कैसी चीज़ें चल रही हैं। सिमिलरली नाइट ड्रिंक में भी अगर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा आपके वहाँ पे बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो चेंज होता रहेगा और नाइट ड्रिंक जो है वो चेंज होता रहेगा, ताकि आप नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठो आपकी बॉडी ठीक हो, फिट हो, फाइन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि रात को आपने लेमन ग्रास टी पी ली, बहुत ज़्यादा आपका मौसम ख़राब है, ठंडा हो रहा है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी बैंड बजी हुई है तबीयत की, पूरा 1 हफ्ता का वेट लॉस बिल्कुल रुक गया। सो सेकेंड पॉइंट पे आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर वेट लॉस जर्नी को स्टॉप करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी डाइट प्रॉपरली कर रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट आपका टमी अच्छे से प्रेशर अप नहीं हो रहा, आपका टमी अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा, आपको बार बार मेथड यूज़ करने पड़ रहे हैं, मेक श्योर आप अपने कॉन्स्टिपेशन पे एक टिक रखो, नज़र रखो कि आप 24 घंटे में एक बार ही फ्रेशन अप हो रहे हो या फिर 48 आवर्स में 1 या 2 बार ही अच्छे से फ्रेशन अप हो रहे हो। आपका 3-3 दिन का ब्लॉकेज हो रहा है, 4-4 दिन का ब्लॉकेज हो रहा है, आप बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हो रहे हो, भूल जाओ आप वेट लॉस कर पाओगे। प्लस आपके मुंह पे दाने आ जाएंगे, आपको बॉडी में हीट हो जाएगी, आपको वॉमिटिंग का मन करेगा, एसिडिटी हो जाएगी, एसिड रिफ्लेक्ट होगा आपको और बर्बिंग होगी, फार्टिंग होगी, और उसकी वजह से आपका 1 वीक या 8 दिन तक पूरा वेट लॉस जर्नी जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, इक्वल टू डीमोटिवेशन, और आप उस जर्नी को भी छोड़ना चाहोगे। मस्ट इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, अपनी डाइट में खूब सारा फाइबर और सैलड्स ऐड कीजिए, पानी का इंटेक पे टिक रखिए कि आपको जितना पानी लिख के दिया गया है कि आप उतना पानी पी रहे हो, आपके मील्स में गैप तो नहीं है,
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो आपका वेट लॉस डाइट है उसको स्टॉप करो, एक या दो दिन प्रोबायोटिक डाइट उठाओ, कोई सी भी, जिसमें आपके आलू हो, दही हो, छाछ हो, वाइट राइस हो, उससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है पहले क्योर करो अच्छे से, दो से तीन दिन आप अपनी बॉडी को बिल्कुल अच्छे से फ्लश ऑफ करो, सना का पत्ते का पाउडर लो, त्रिफला पाउडर लो, उसके बाद जाके आप थर्ड और फोर्थ डे अपनी वेट लॉस जर्नी पे दोबारा से वापस आओ। थर्ड एंड दी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी बॉडी के अंदर विटामिंस की डिफिशियंसी। अगर आप हर एक एक चीज़ कर रहे हो, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, डाइट भी कर रहे हो, नींद भी ले रहे हो, स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हो, सब चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, स्टिल यू आर नॉट लूजिंग वेट, आप अपने ब्लड टेस्ट कराइए, आप चेक कराइए आपकी बॉडी में विटामिन D3 है कि नहीं है, HP लेवल कितना है आपका, हीमोग्लोबिन, आयरन का लेवल कितना है आपकी बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपना CBC कराइए, आपके ब्लड सेल्स की रेंज देखिए कि कितना चल रहा है, यूरिक एसिड चेक कराइए कि आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ, HbA1c कराइए, आपका शुगर का लेवल कितना चल रहा है। सबसे पहले आप अपनी बॉडी की डेफिशिएंसीज पे वर्क कीजिए कि B12 कितना चल रहा है, विटामिन B12 आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में ये मेजर डेफिशिएंसीज है, आप वेट लॉस कैसे करोगे और आपकी बॉडी आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी। सो सबसे पहले आप अपने मल्टीविटामिंस लीजिए, अपने अगर आपकी डेफिशिएंसीज बहुत मेजर है, मैं तो बोलती हूँ विटामिन D3 के इंजेक्शंस लगवा लीजिए और डेली बेसिस का कोई एक आप सप्लीमेंट यूज़ कीजिए मल्टीविटामिन में, जो कि आपकी ये डेफिशिएंसीज पे वर्क कर सके। एंड खूब सारा वेजिटेबल जूसेस पिए एवरी मॉर्निंग। सो ये डेफिशिएंसीज पे आप अपनी चेक कीजिए, आप अपने ब्लड टेस्ट हर 3 मंथ्स में कराइए, किसी भी डाइट को लेने से पहले आप अपने ब्लड टेस्ट डेफिनेटली कराइए। फोर्थ, यहाँ पे मैं बात करती हूँ गुस्सा, एंगर मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी वेट लॉस जर्नी पे हैं या यूजुअली आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले 1.5 से 2 साल पे अपने एंगर मैनेजमेंट पे मैंने अपना बहुत वर्क करा है। जो बंदा मुझे गुस्सा दिलाता है मैं उससे बैक से बिल्कुल बाहर कर देती हूँ। मुझे ऐसा रहता है कि यार इस थर्ड पार्टी की वजह से जो मेरी बातें सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, मैं अपना गुस्सा क्यों बढ़ाऊँ, इससे बेहतर है इसको उठा के बाहर निकालो अपने बैक से और अपने पे फोकस करो। सिमिलरली मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप किसी भी एक वेट लॉस जर्नी पे हो, आप कोई एक टारगेट पे पहुँचने वाले हो, बट आपकी लाइफ में ऐसे कुछ तुच्छ प्राणी बैठे हुए हैं जो आपको बात बात पे गुस्सा दिलाते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर में ही ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से आपको बार बार पे गुस्सा आता है, इन लॉस की वजह से, पार्टनर की वजह से, बच्चों की वजह से, कुछ लोग मतलब ऐसे हैं बिहेवियर ना घर पे। अगर आपको गुस्सा आया, आप वेट लॉस जर्नी पे हो, आपकी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड है वो ऑलरेडी बहुत गर्म है और गुस्सा आने के बाद तो पूरा बॉडी का ब्लड बिल्कुल गर्म हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपके ये हाथ है, अगर इस हाथ को मैंने गर्म पानी के अंदर डाला, ये सूज जाएगा बिल्कुल और फूल जाएगा और जल जाएगा। सिमिलरली हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जब हम गुस्सा करते हैं, सारे ऑर्गन्स के अंदर जो ब्लड घूम रहा है वो बिल्कुल गर्म गर्म खून घूम रहा है, पूरे बॉडी का ऑर्गन सूज जाएगा। जब भी आप बहुत ज़्यादा लाउड होगे, गुस्सा होगे, चिल्लाओगे, बर्तन बर्तन तोड़ोगे या फिर किसी को चाटे चूटे मारोगे, दो आप वेट लॉस जर्नी पे हो, आपने डिनर एग्जैक्टली वही करा, नाइट ड्रिंक ली, आप सोने की कोशिश की है, सो भी गए, सुबह आपका 1 से 1.5 किलो बढ़ा हुआ आया, वो फैट नहीं है, आपकी पूरी बॉडी स्वॉलन हो गई है, आपके पूरे ऑर्गन सूज गए हैं अच्छे खासे और उनको शांत करने में 1 से 2 दिन लगता है। आपको पसंद आएगा कि जब आप वेट लॉस जर्नी पे हो आप गुस्सा करोगे, अपने एंगर मैनेजमेंट पे हमने कंट्रोल रखना है। जब भी हम वेट लॉस जर्नी पे या जर्नली आप अपनी डेली लाइफ में भी अपने एंगर मैनेजमेंट पे कंट्रोल रखोगे, क्यों किसी ऐसे बंदे की वजह से अपना BP हाई करना या क्यों किसी बंदे की वजह से लाउड होना और अपने बिहेवियर को ख़राब करना। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पे बात करती हूँ ट्रैवल। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी वेट लॉस जर्नी पे हो, कोशिश करो आपके ट्रैवल अवॉइड हो। डेली रूटीन में आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, वहाँ से आ रहे हो, ये एक नॉर्मल रूटीन है, ये बॉडी को हार्म नहीं करेगा। बट अगर आपका बड़े लंबे लंबे ट्रैवल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप घूमने निकल गए कश्मीर या फिर कहीं लंबी जगह पे, वहाँ पे ऑफ कोर्स आपका डाइट नहीं होगा, वापस आओगे आपका 1 हफ्ता 10 दिन बॉडी सेट होने में, बॉडी वेट लॉस करने में, अपने बॉडी को तैयार करने में टाइम लगता है, तो 10 दिन कम से कम लग जाएंगे आपको बैक टू रूटीन में आने पे। तो अगर आप किसी भी जर्नी पे हो, मेक श्योर आप अपना टारगेट पूरा करो, ट्रैवल अवॉइड करो और उसके बाद ही आप अपनी जर्नी पे उतरो। नेक्स्ट और सबसे दी बेस्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे लगता है सेल्फ केयर। फॉर एग्जांपल, आप वेट लॉस जर्नी पे हो, आपका मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ों में, आप कुछ चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्पेशली लेडीज, स्पेशली मेरी जितनी भी फीमेल ऑडियंस है उनके लिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने घर से, अपने आप से, वेट लॉस से जो बहुत स्लो चल रहा है इस टाइम पे, आई कैन अंडरस्टैंड।
आप अपनी लाइफ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, रात को स्ट्रेस लेकर दिमाग में बेड पे जा रहे हो, रुको, यहीं पे रुको। सबसे पहले आप ये देखो कि आप जिस तरीके से अपनी बॉडी को रख रहे हो, क्या आपकी बॉडी किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट करेगी करियर में, आगे बढ़ने में, लुक्स में, पर्सनालिटी में और स्पेशली वेट लॉस में। यहाँ पे बात आती है सेल्फ केयर की। सेल्फ केयर में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत महंगे प्रोडक्ट्स उठाओ, पार्लर्स जाओ, अपने आप को पैम्पर करो, स्पा कराओ, नो 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 नो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सेल्फ केयर के अंदर जो कि आपको करनी चाहिए और वो बहुत ही चीप है। नंबर वन, आप डेली शावर लीजिए सोने से पहले नमक वाले पानी का, आपकी बॉडी से जितने भी नेगेटिविटी है वो सारी रिमूव करके बेड पे जाएं। नंबर टू, आपको अगर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है या बहुत ज़्यादा आप बुरा फील करती हो शावर लेने के बाद, आप अपनी बॉडी पे कोकोनट ऑयल लगाइए, थोड़ी सी अपनी बॉडी को मसाज दीजिए अपने आप से ही, और उसके बाद आप सोने जाइए। नंबर थ्री, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सर फटा जा रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कोई भी एक बुक उठाओ जिसको लगता है कि, या फिर नेटफ्लिक्स की कोई भी एक सीरीज़ उठाओ जिसको लगता है कि आप देखकर खुश होकर सो पाओगे, वो सीरीज़ देखिए। अपने लिए थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट्स टाइम निकालिए। नेक्स्ट, आप कभी भी सोने जाते हो मेक श्योर आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, नाइट सूट जो आप पहनो बिल्कुल फ्रेश हो, एक दो दिन पुराना या फिर सुबह का पहना हुआ नाइट सूट ही वो पहन कर मत जाइए। मेक श्योर आप अपने कपड़े चेंज करके अपने आप को क्लीन करके बॉडी को तभी आप बेड पे जाइए। नेक्स्ट, पैरों पे वैसलीन लगा के या फिर पैरों के तलों पे, जो पैर का जो सरफेस है बिल्कुल तलों के ऊपर, आप विक्स या वैसलीन लगाकर ही सोने जाइए बेड पे। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ कराएगी कि आप लायक हो इन सब चीज़ों के, पैम्पर करने के खुद को, पूरे दिन मजदूरी करने के बाद, हस्बैंड, बच्चे, इन लॉज, घर, गृहस्थी, जॉब, चीज़ें देखने के बाद आपको 30 मिनट अपने लिए चाहिए ही चाहिए। कोई भी एक बॉडी वॉश लो, अच्छे से अपने आप को वॉश कीजिए, यू नो, नमक वाला पानी से आप शावर लीजिए, उसके बाद आप कोकोनट ऑयल लगाइए या कोई भी लोशन जो भी आपका मन करता है वो लगाइए, कुछ भी नेटफ्लिक्स पे देखिए, 30 मिनट्स अपने फ़ोन को बिल्कुल साइड कर दीजिए। जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग, कि जस्ट एक चीज़ के बारे में सोचो कि आज आपने बहुत मेहनत करी अपने ऊपर, आप अपने आप को बहुत शाबाशी दीजिए और उसके बाद जस्ट गो फॉर अ स्लीप। ये कुछ चीज़ें करने से आप देखिएगा आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करना चालू करेगी। जब आप अपनी बॉडी को प्यार देते हो आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। जब आप अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर देते हो, गधे की तरह उसको खींचते रहते हो, कर ये काम भी कर, वो काम भी कर, ऐसे भी कर, वैसे भी कर, सूजी हुई बॉडी रहेगी। आप कहते हो ना बहुत बारी, यार मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्लॉट हो गया, मैं बहुत सूजी हुई हूँ, मैं क्या करूँ। मैं एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत काम किया है क्या बच्चे, थक गया है क्या? वो बोलते हैं यस हम बहुत थक गए हैं मैम, हम क्या करें। मैं कहती हूँ सो जाओ, थोड़ी सी बेसिक केयर करो एंड देन गो फॉर अ स्लीप। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। चेक करो, अपने चेक पॉइंट निकालो कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो, या वेट लॉस हुआ भी है तो वहीं पर अटका पड़ा है। ठीक है, तो आप अपनी चीज़ें देखिए। एंड लेडीज़, आप सेल्फ केयर ज़रूर, पैम्परनेस ज़रूर ज़रूर डिज़र्व करते हैं। 30 मिनट्स, एक घंटा आप अपने लिए निकालिए दिन का। और या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल, सो गिव इट अ थम्स अप, लीव अ कमेंट कि आपके कौन कौन से चेक एरियाज हैं। एंड या दैट्स इट, आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय, लव यू।